खार्किव मेट्रो स्टेशन में ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अनलाइक रशियन मेट्रो। यहाँ पे क्या है कि अगर स्टेशन में कुछ, उस स्टेशन में कुछ अगर स्पेशलिटी है ना, तो वहाँ पे उसका सिंबल दिया हुआ है। जैसे कि जहाँ से मैं चढ़ा था पिवदीनिया कुछ नाम था वोक्जाल, तो वहाँ पे स्टेशन का एक सिंबल दिया था, मतलब ये रेलवे स्टेशन है। और दूसरा ये अभी जो जहाँ मैं उतरा हूँ इसमें अगर आपको उतरना है तो यहाँ पे स्ट्रीट का स्क्वायर था, मतलब कि ये बहुत फेमस स्ट्रीट है यहाँ पे। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और खार्किव में ना तीन लाइन है, ब्लू, रेड और ग्रीन। मैं जहाँ पे उतरा हूँ वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा था, राइट, ब्लू लाइन से एक्सचेंज हो रहा था। हाँ भाई, ये बैग बड़ा परेशान कर रहा है मेरे को। ओयो यो यो, और पता नहीं कौन सा स्क्वायर है, लेकिन अपने को रोड क्रॉस करना पड़ेगा। रोड कहाँ से क्रॉस करेंगे मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग से कोई क्रॉस नहीं कर रहा है पापा, अपने मर्जी से क्रॉस कर जा रहे हैं। और यहाँ के लोग मां जानते हो आप, घूर नहीं रहे मेरे को, ये अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कोई घूरता। एक मिनट यार, ये बैग परेशान कर दिया मुझे। हाँ, तो जब मुझे लोग घूरते हैं आई डोंट लाइक इट। हो अब कहाँ जाना है भाई, अपने को क्रॉस करना है उस तरफ भाई। दो तीन घंटे में एक्सप्लोर करना है, ये दो तीन घंटे में जो भी दिखेगा बहुत मज़ा आएगा, जो मस्त है, मतलब मेरे हिसाब से मस्त है। ओके, क्रॉस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बार बार मैं अब यूज़ कर रहा हूँ ना, इम्प्रूव हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। भागो 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 भागो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपको, दो घंटे में जो भी दिखा उसे इंजॉय करो, क्योंकि यहाँ से हमें निकलना है ओडेसा। ये मेरे प्लान लिस्ट में है भी नहीं, और शायद जो मैं प्लान किया है, मेरी गर्लफ्रेंड ने जो प्लान किया है वो देखना पड़ेगा मेरे को बस। वो उसने ईमेल कर दिया, मैंने उसको फ़ोन करके बोल दिया कि ईमेल कर, मेरे को पता नहीं यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो उसने बोला हाँ कर रही हूँ। हाँ, सुंदर सा एक स्ट्रीट, ये कौन सा स्ट्रीट है भैया, चेक करना पड़ेगा ये कौन सा स्ट्रीट है। कहीं ना कहीं बैठते हैं और मज़ा लेते हैं इस प्यारे से सुंदर से स्ट्रीट का। हाँ, लोग स्टंट कर रहे हैं अपना, कोई बैठा हुआ है, सिगरेट पीता हुआ कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे आए, ये हैरानी वाली बात है। देख रहे हैं पीछे भैया साइकिल में, ये स्टंट कर रहे हैं, देखिए। अरे बेटा मस्त, चलिए कहाँ बैठेंगे अपन, अपना सामान कहीं सेफ जगह पे रखना है और अपने को इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पे रखते हैं, बेस्ट रहेगा यहाँ पे रखते हैं, दूर थोड़ा सा उन लोगों से दूर, कम से कम नहीं सिगरेट भी पीते हैं बाबा यहाँ पे। एक मिनट दिखाता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ से सिगरेट भी आता यार, क्योंकि सबसे ज़्यादा हेट मैं यही करता हूँ यार, सबसे ज़्यादा हिट ही करता हूँ। ये देखिए कहाँ फंसा हुआ है सिगरेट, अंदर में फंसा हुआ था भाई लोग। जिस स्क्वायर में भी हम बैठे हैं ना, ये सबसे हैपनिंग स्क्वायर है खार्किव का, क्योंकि पीछे जो मैंने मॉन्यूमेंट का बात किया था, ये मॉन्यूमेंट का नाम है फ्रीडम मॉन्यूमेंट। एक औरत जो दर्शा रही है किस तरह से हम लड़े थे और जीते थे। अब सवाल ये उठता है, लड़े थे जीता तो ये तो सही बात है, लेकिन किसके साथ फ्रीडम हुआ है? सोवियत यूनियन के साथ फ्रीडम हुआ था, और इनका एक लड़ाई हुआ था 1932 में, और कुछ 5 या 6 साल लड़ाई चला था उस वार में। ये लोग का सेलिब्रेशन है या फिर सोवियत यूनियन से, ये मेरे को ठीक से पता नहीं है। अपना बैग उस तरफ है, दिख रहा है मेरे पीछे इस तरफ, वहाँ बैग रखा हुआ है, बट कोई चोरी करके ना लेके जाए, ये भरोसा से, दिल पे ये भरोसा किए कि यहाँ के लोग मेरे बैग को चोरी करके नहीं जाएंगे, इसलिए मैं वहाँ छोड़ के गया हूँ। बट लेकिन नया कंट्री है, जस्ट रशिया के बाजू में है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोग यहाँ पे अच्छे हों, बट लेकिन फिर भी मुझे नज़र अपना रखना पड़ेगा उस बैग में, क्योंकि उस बैग में मेरा फ़ोन है। ओ बच गया बेटा, धीरे धीरे, आराम से। अब ये फेमस सिर्फ एक मॉन्यूमेंट के लिए नहीं है, दो तीन और मॉन्यूमेंट के लिए। भाई मेरा बैग दूर जाते जा रहा है और मैं शूट करते जा रहा हूँ, कोई उड़ा ना ले यार। हाँ, एक और चीज़, नोटेबल चीज़ बताऊँ, यहाँ पे ठंड कम लग रही है यहाँ पे। हम जाएंगे कल ओडेसा, जो कि सोची से मैं कंपेयर करने वाला हूँ उस सिटी को, भाई उड़ा ना ले बस यार, इसी बात का डर है। पीछे देख रहे हैं टैंक है, उस तरफ टैंक है, तो डेफिनेटली इनका ज़ोर से लड़ाई हुआ है किसी के साथ। अगर टैंक रखा हुआ है तो सही बात है बाबा, अगर सिर्फ साइलेंट प्रोटेस्ट के साथ अगर ये लोग वार को जीते होते तो टैंक नहीं रखा गया होता वहाँ पे, राइट। हाँ, 1925
ये भी कुछ बिल्डिंग है, पता नहीं मैंने उतना रिसर्च तो किया नहीं है, कुछ फेमस बिल्डिंग है जो 1925 में बना गया था। इसमें देख रहे हैं यूक्रेन का झंडा, वो वाला। और इंस्टाग्राम में जब मैंने पोस्ट किया था कि मैं मुझे एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 9 लोगों ने वोट दिया था यस, और वो यस यस। जल्दी जल्दी स्क्वायर को देखना पड़ेगा, बैग का डर लग रहा है यार, पता नहीं क्यों। कुछ आर्कियोलॉजिकल रिलेटेड है ना ये स्टैचूस। ओए हाय 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 हाय, उस तरफ टैंक रखा हुआ है। ठंड कम लग रही है, वरना जनरली बेलगोरोज में तो मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था। बेलगोरोज से यहाँ कितना डिस्टेंस है यार, 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और बताना मैम क्या, खारकीव से, यस यस खारकीव से, खारकीव यहाँ पहुँचने के लिए, यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगेगा समथिंग अराउंड 45 मिनट। भाई बहुत पुराने बस बोल रहा हूँ, कार में बैठा था, भगाते हुए लेके आया यार वो आदमी। और जानते हैं जब मैं वहाँ से निकला, इमिग्रेशन से निकल के जब यहाँ ये सिटी पहुँचा, मुझे ये चीज़ साफ साफ दिखाई दे रहा था कि मेंटेनेंस नहीं है यहाँ पे। रोड में जो बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे, दोनों तरफ पेड़ उगे हुए थे, और हमारी गाड़ी एकदम 100-120 की स्पीड में भगाई जा रही थी, तो वो चीज़ देख के अच्छा लग रहा था। और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि आखिर मेंटेनेंस क्यों नहीं है। भाई इमिग्रेशन एरिया में जहाँ बॉर्डर होना, वहाँ मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। मैंने रशिया में देखा जब बेलगोरोड से जब इमिग्रेशन आ रहा, तो ज़बरदस्त मेंटेनेंस था। हाँ सही लग रहा है यार, चैन की सांस ले पा रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ भाई, चैन की सांस ले पा रहा हूँ मैं। यहाँ जनरली रशिया में मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया था कि ब्लॉगर को देख करके लोग हंस रहे थे, यहाँ भी स्माइल दे रहे हैं, हंस नहीं रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब एक्सपेक्टेशन बुरी बला है, ये तो आपको मालूम ही होगा, बहुत बड़ी बुरी बला है कि एक्सपेक्टेशन हमेशा मेरा फेल हुआ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे मुझे कम से कम 5-6 घंटा वेट कराएंगे और उसके बाद एंट्री देंगे, नहीं बाबा 1 घंटे में निकल गया। हाँ यहाँ आने के लिए, खारकीव के ये सेंट्रल स्क्वायर में आने के लिए आपको बस, मेट्रो, सरप्राइजिंगली यहाँ मेट्रो है ये बोल करके मैं सरप्राइज हुआ था, बस मेट्रो सब कुछ मिल जाएगा। हाँ मज़ा आ रहा है ना, मुझे भी। आप सबको तो मालूम ही होगा कि मुझे चावल खाना कितना पसंद है। स्टेशन के जस्ट बाहर में मैं एक रेस्टोरेंट में बैठ करके कोशिश कर रहा हूँ इनको बताने की कि मुझे चावल चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला नो चावल, तो क्यों ना कारतोश और ब्रेड खाया जाए। कारतोश और ब्रेड विथ दो टिश्यू जो नीचे गिर चुके हैं, अपने गंदे हाथों को इन गंदे टिश्यू के साथ मैं साफ करने वाला हूँ। मैंने लिया है एक कारतोश ब्रेड, कारतोश मतलब पोटैटो और ब्रेड, और एक वाटर बॉटल। मुझे लगा 30, कितना होता है 30, 90 रुपीज़। स्टेशन इस तरफ है, खाएंगे, और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था रात के लिए। भाई रात का ट्रेन है, 12 बजे पहुँचेंगे, और मैंने अभी तक यहाँ पर एक भी सुपर मार्केट नहीं देखा है। तेज है यार, अरे बाप रे, अच्छा लग रहा, पेट भर जाएगा, ये देखिए। और ये देखिए पानी, खाना नहीं मिले चलेगा, लेकिन पानी के बिना ना एक इंडियन, एक नहीं कोई भी नहीं जी सकता है। सॉरी मैंने बोला एक इंडियन, लेकिन वर्ल्ड में कोई भी बिना पानी के नहीं जी सकता है। कंजर्व वाटर, ईट कारतोश ब्रेड।